Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum, student. Today I'm going to solve exercise 3A questions of Oxfrod Mathematics, Book 1, 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 13. Express the following decimal as an improper fraction in simplest form. Part A 1.07. Look here. इस क्वेश्चन में रेकरिंग डेसिमल दिए हुए हैं, उसको आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है? ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमिरेटर की वैल्यू ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, आपने उस फॉर्म में इसको लिखना है. तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पर मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं कि किसी भी रेकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए पहला स्टेप ये होता है कि आपने इसको सपोज कर लेना है इस वैल्यू को एक्स के इक्वल टू, लेट एक्स इक्वल टू 1.07. सेकंड स्टेप है कि आपने ये जो वैल्यू दी हुई है जिसको हमने एक्स इक्वल टू 1.07 रखा है, ये है डॉट नोटेशन में, इसको कन्वर्ट करना है डॉट नोटेशन से सिंपल फॉर्म में, यानी कि जो नंबर डॉट पे रिपीट हो रहा है उसको रिपीटिंग डिजिट शो करना है. तो 7 रिपीट हो रहा है, तो 7 को हमने, जिस पे डॉट होता है वो रिपीट होता है, 7 को हम रिपीटिंग फॉर्म में लिख देते हैं और बाकी डॉट डॉट डाल के हम इसकी कंटिन्यूइंग शो कर देते हैं कि ये डिजिट्स रिपीटिंग डिजिट्स है. अब इसको आपने इक्वेशन 1 का नेम दे देना है. उसके बाद आपने सेकंड स्टेप पे आना है कि आपके पास यहाँ पर चेक, आपने चेक करना है कि डेसिमल के बाद कोई ऐसा नॉन रिपीटिंग डिजिट है. तो देखें डेसिमल के बाद नॉन रिपीटिंग डिजिट्स है, तो वो आपने देखना है कि कितने नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं. तो यहाँ पर देखें 0 नॉन रिपीटिंग डिजिट्स है, तो नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स कितने दिए हुए हैं? 1 दिए हुए हैं. तो इसलिए आपने ये जो 10^1 है इससे मल्टीप्लाई कर देना है इक्वेशन को. तो यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बाय इक्वेशन 10^1. तो जब आप 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, लेफ्ट साइड 10x हो जाएगी, और राइट साइड को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो जब भी आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी भी 10^ से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डेसिमल होता है वो फॉरवर्ड यानी राइट साइड पे शिफ्ट हो जाता है. जितनी 10^ है, जैसे यहाँ 10^1 है तो 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा. तो ये जो वैल्यू है ये बन जाएगी 10.777, और ये कंटिन्यूइंग हमने इसकी शो कर दी है. इसको आपने इक्वेशन 2 का नेम दे देना है. अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. तो देखो इसका सॉरी ये इक्वेशन 2 का नेम दे देना है. अब नेक्स्ट स्टेप में आपने फिर चेक करना है कि यहाँ पर देखो कि ये जो डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं ये नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं. ये 1 नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स है. तो थर्ड स्टेप में आपने मल्टीप्लाई कर देना है इसी इक्वेशन को, सेकेंड इक्वेशन को, 10^ नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट, मल्टीप्लाइंग बाय 10^ ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स. रिपीटिंग डिजिट्स कितने हैं? ये 1 है, तो 7 आपके पास आ रहे हैं, एक ही रिपीटिंग डिजिट्स है, तो इसलिए 10^1 जिसको हम 10 कहते हैं उससे सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें. तो ये हो जाएगा 10 × 10 100x, और ये वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई करें. अब देखो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर डेसिमल जो है आप शिफ्ट कर देंगे राइट से, राइट साइड 1 डिजिट्स, ठीक है, क्योंकि आप 10^1 है, 1 होने की वजह से ही हो जाएगा 107.777, और ये वैल्यू कंटिन्यू रहेगी. इसको इक्वेशन 3 का हम नेम दे देते हैं. और फोर्थ स्टेप है इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन 3 से. तो यहाँ हम लिख लेते हैं इक्वेशन 3 - इक्वेशन 2. तो
तो देखो जब आप इक्वेशन थ्री में से टू को माइनस करेंगे तो पहले आप लेफ्ट साइड का डिफरेंस ले लें, 100x - 10x हो जाएगा। फिर राइट साइड का आपने डिफरेंस लेना है, राइट पे पहले आपने इक्वेशन थ्री की वैल्यू लिखनी है 107.777 और ये कंटिन्यू मैंने शो कर दिया इसको, और फिर लिखना है सेकंड इक्वेशन, वो है 10.777। अब आप देखो कि जब आप डिफरेंस लोगे तो इसका जो डिफरेंस आएगा, पहले डेसिमल में डिफरेंस देखें तो डेसिमल का डिफरेंस तो जीरो आ जाएगा, 77 से 77 माइनस हुआ, और ये 107 से 10 को माइनस करो तो क्या वैल्यू बनती है, ये बनती है 97। आपके पास जो लेफ्ट साइड का डिफरेंस है वो 100 - 10 90x आ गया है, और x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 97/90, और ये हमारा सोल्यूशन आ गया है के फ्रैक्शन फॉर्म में, ये कन्वर्ट हो गया है रेकनिंग डेसिमल 1.07 इक्वल टू 97/90, ये हमारा आंसर है। अब हम आते हैं इसके पार्ट बी पे। अच्छा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन जो आंसर दिए हुए हैं वो मिक्स फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लें। 97 को 90 से डिवाइड कर लें तो 90 × 1 = 90, 7 एज अ रिमाइंडर आ जाएगा, तो 1 एज अ क्वेश्चन, 7 रिमाइंडर और 90 एज अ डिवाइजर, तो 1/7/90 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 13 पार्ट बी, एक्सप्रेस द डेसिमल 2.115 एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए पार्ट बी में हमने जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है 2.155, तो इस 2.115 सबसे पहले हम इसको, पहला स्टेप ये है कि इसको लेट कर लेंगे एक्स के इक्वल, तो ये वैल्यू हो जाएगी लेट एक्स इक्वल टू 2.115 डॉट। उसके बाद हमने सेकंड स्टेप करना, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप करना है कि आपने इसको डॉट नोटेशन से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो डॉटी जो रिपीटिंग डिजिट्स है 5, इसको यहाँ पर शो करना है। जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं कि 5 के ऊपर डॉट है तो 5 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर ये मैंने मेंशन कर दिया है, और ये कंटिन्यूइंग शो करनी है, और इसको इक्वेशन 1 का नाम देना है, और इसके बाद सेकेंड स्टेप पे आ जाएं, मल्टीप्लाई करें इक्वेशन को 10 पावर नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स। तो 10 पावर ऑफ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स, पॉइंट डेसिमल के बाद देखें कितने नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं, तो डेसिमल के बाद 2 नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं। आप 10 मल्टीप्लाई कर दें मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2, तो 10 पावर 2 होता है 100, 100 से इसे मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन को, तो मेरे पास ये वैल्यू हो जाएगी 100x = 211.555। इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मालूम है कि जो हमारा डेसिमल है वो लेफ्ट से राइट 2 डिजिट शिफ्ट हो जाता है, जितने नंबर ऑफ ज़ीरो हैं उतने राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास 2.115 क्वेश्चन सेकंड आ गई है। अब आपने थर्ड स्टेप करना है कि डेसिमल के बाद जो रिपीटिंग डिजिट्स हैं उसको काउंट करें, वो है 1 रिपीटिंग डिजिट्स है, तो मल्टीप्लाई कर दें बाय 10 पावर नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 10 पावर नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1, और ये होता है 100, 100 से सॉरी 10, 10 से अब आप इस इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करें, तो इक्वेशन 2 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1000x इक्वल टू, इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर डेसिमल फिर शिफ्ट हो जाएगा 1 डिजिट्स राइट साइड पे, तो ये डेसिमल यहाँ पर पोजीशन आ गई है। अब आपने
ये वैल्यू हो जाएगी 215.555, और ये इसको इक्वेशन थ्री का नेम दे दें। अब आप देखें थर्ड स्टेप पे आ जाएं, फोर्थ स्टेप पे आ जाएं, इस सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन टू को थ्री से। तो इक्वेशन टू को थ्री से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप यहाँ पर लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थ्री माइनस इक्वेशन टू। तो देखें पहले लेफ्ट साइड को आप सब्ट्रैक्ट करें 1000x माइनस 100x, फिर राइट साइड को सब्ट्रैक्ट करें, राइट साइड पे जो वैल्यूज हैं पहले इक्वेशन थ्री की वैल्यू लिख लें 2115.555 माइनस किसकी वैल्यू लिख लें सेकंड इक्वेशन की, वो है 211.55। अब इसका डिफरेंस ले लें तो ये मेरे पास 2015 में से 211 को माइनस किया मैंने तो ये वैल्यू आ जाएगी 1904। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1904, राइट साइड का डिफरेंस है, डेसिमल में से डेसिमल किया था तो ज़ीरो आ गया, 2015 में से 211 को माइनस किया 1904 आ गया, और ये 900 आ जाता है 1000 माइनस 100x का, तो x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1904/900। अब आप देखो कि ये किस पे डिविजिबल है, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ये 4 पे डिवाइड हो रहा है, ये हो गया 476। इसी तरह इसको डिवाइड कर ले, 4 times 2 is 8, 1 कैरी हो गया, 4 times 2 is 8, फिर 2 के कैरी हो जाएगा 0 के साथ, 4 times is 20। अब आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन से कन्वर्ट इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें तो 476 को डिवाइड कर लेते हैं हम 225 से, 225 times 2 होता है 2450, और ये डिफरेंस आ जाएगा 26। तो ये क्वेश्चन आ गया है 22 और ये आंसर हो गया 226/225। क्वेश्चन 13 पार्ट सी, एक्सप्रेस द डेसिमल एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखें तमाम पार्ट्स और उससे पहले तमाम क्वेश्चंस को मैं बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुका हूं कि आपने के क्या स्टेप्स करनी है। स्टेप्स मैंने लिख दिए हैं कि किसी भी रेकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप आपको मालूम है कि हर एक में एक्स के इक्वल इस वैल्यू को रख लेना है, और ये वैल्यू है एक्स इक्वल टू 2.507। सेकेंड स्टेप में आपने कहें रेकरिंग डेसिमल डॉट नोटेशन है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म यानी उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसमें जो डिजिट रिपीट हो रहे हैं वो आपने शो कर देने हैं, या 07 पे डॉट है तो 07 रिपीटिंग डिजिट्स है, ये यहाँ पर मैंने शो कर दिया, और उसके बाद कंटिन्यूइंग शो करने के लिए डॉट्स डाल दिए, और इसको इक्वेशन वन का नेम दे देना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप करना है कि मल्टीप्लाई करने हैं इक्वेशन को 10 power नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स। नॉन रिपीटिंग डिजिट्स कितने हैं, 1 नॉन रिपीटिंग डिजिट्स है, तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है इस इक्वेशन को, मल्टीप्लाई बाय 10 power नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स कितने हैं 1, तो 10 power 1 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10x हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी 25.07707। और मल्टीप्लाइंग का वे मैंने बताया था जितनी 10 की पावर है उतना डेसिमल राइट पे शिफ्ट कर दें, तो ये 1 digits 10 की पावर 1 है तो 1 digit शिफ्ट कर दें यानी 25.07 हो जाएगा। उसके बाद इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 का नाम दे देना है। थर्ड स्टेप है कि मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय 10 power ऑफ नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स। देखिए अब आप डेसिमल के बाद तमाम जो डिजिट्स हैं वो रिपीटिंग हैं, वो हैं 2, तो मल्टीप्लाई बाय 10 power 2 यानी 100 बनता है, 100 से इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दें जिस इक्वेशन को,
तो 100 से इसे मल्टीप्लाई किया तो ये 100 मल्टीप्लाई 10 1000 एक्स हो गया, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू देखें क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये डेसिमल शिफ्ट होगा कितने यूनिट्स, से 2 डिजिट्स राइट साइड पे, तो ये इस वजह से ये 2 डिजिट्स शिफ्ट हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2507.0707, और ये आप कंटिन्यूइंग शो कर दी और इसे क्वेश्चन 3 का नाम दे दिया। अब इसमें डिफरेंस ले लें क्वेश्चन 2 3 माइनस इक्वेशन 2, तो ये वैल्यू पहले लेफ्ट साइड को सब्ट्रैक्ट करें, तो लेफ्ट साइड में 1000x में से माइनस हो जाएगा 10x, और यहाँ पर 2507 राइट साइड पे लिख लें इक्वेशन थर्ड का, 2.507.0707 माइनस कर दें लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे 25.0707 ऑफ क्वेश्चन 2 का। अब आप देखें दोनों का जो डिफरेंस आएगा 2507 में से डेसिमल पार्ट आप देखें, पहले डेसिमल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना होता है तो ये 0 आ जाएगा, और 2507 में से 25 को माइनस करें तो 2482.0 हमारे पास राइट साइड की वैल्यू आ गया, और लेफ्ट साइड पे ये वैल्यू बन जाएगी 990x। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 990 से इसे डिवाइड कर लें, तो दोनों साइड पे 990 से डिवाइड किया तो लेफ्ट साइड पे x रह गया और ये आ गया 2482/990। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये देखें डिवाइडेड बाय 2 हमने इसको किया है तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2482 को जब 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 1241/495। अब आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, 1241 को 491 से 495 से डिवाइड करें तो 495 को 2 से करेंगे तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 990, और जो डिफरेंस बचेगा वो 251, और क्वेश्चन है 2251/495 आंसर आ गया है।